मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पेपर पे जरूर दिख जाता है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन सारे पॉइंट्स को अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो पॉइंट आपका छूटेगा नहीं और मार्क्स आपका मिल जाएगा। आर्टरीज वेंस, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मालूम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी प्योर ब्लड। तो ये ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में आर्टरी कैरी करेगा, लेकिन वेंस जस्ट अपोजिट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो पॉइंट नंबर वन हो गया, वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक पॉइंट यहाँ समझने वाली क्या है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी, देखिए आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ जस्ट उल्टा होता है। ये पॉइंट को आपको हमेशा समझ के ही रखिए कि आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वर्ड अगर आ गया, पल्मोनरी वर्ड किसे रिलेटेड है, लंग्स से। तो जो लंग्स में ब्लड को ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी, वो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ क्या है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वेन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जो लंग से ब्लड को ले आ रहा है पल्मोनरी वेन, उसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, पॉइंट नंबर टू, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड इनटू एन ऑर्गेन। प्यूरिफाइड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से एओर्टा और एओर्टा के थ्रू फिर आर्टरीज, आर्टरीज हार्ट से सारे ऑर्गेन्स तक ले जाने का काम करता है, लेकिन वेंस कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, पूरे टिश्यू ऑर्गेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम वेंस का है। जो दोनों का ठीक उल्टा, यानी डिफरेंस क्लियर हो रहा है। पॉइंट नंबर थ्री, यूजुअली डिपोप्लेस्ट, यानी कि ये जो आर्टरीज होते हैं ये ऊपर सुपरफिशियल लेयर में नहीं दिखते हैं, ये डीप सीटेड स्किन के काफ़ी अंदर गहराई में होते हैं, ठीक है। लेकिन वेंस का क्या है, यूजुअली मोर सुपरफिशियल, नियरर द स्किन, इसीलिए तो ये वेंस ऊपर से आप देख भी सकते हैं, ये स्किन के नज़दीक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, हैव थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल्स। आर्टरीज का वॉल थिक होगा, थिक होने के पीछे भी रीजन होता है, इसमें ब्लड तेजी से फ्लो होता है। हैव थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल्स, वॉल्स आर इलास्टिक, इसका आर्टरीज का वॉल इलास्टिक होगा, जबकि ये वेंस नॉन इलास्टिक। हैव नो वॉल्स इन देयर इनर लाइनिंग, आर्टरीज में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन वेंस में हैव वॉल इन देयर इनर लाइनिंग, वॉल प्रेजेंट होता है। वॉल प्रेजेंट होने का भी क्या कारण है, ये रीजन ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ वॉल प्रेजेंट इनर लाइनिंग में क्यों है, ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ब्लड फ्लो इन जर्क, इसमें झटके से और तेजी से ब्लड का फ्लो होता है, जिसके पल्स और प्रेशर को हम लोग फिर महसूस भी कर सकते हैं, जबकि ब्लड इसमें स्मूथली, वेन में जो ब्लड फ्लो होगा वो स्मूथली जर्क के साथ, झटके के साथ फ्लो नहीं होता है, इसके प्रेशर को हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।